हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितीश। आप देख रहे हैं फोर्स सी यानी कि एजुकेशन फोर्स सिविल। चलिए शुरू करते हैं आज के स्टूडियो को। दोस्तों आज का जो टॉपिक है मेरा, गुड क्वालिटीज ऑफ ब्रिक और टेस्ट ऑफ ब्रिक। अभी मैं क्या है कि मैं गुड क्वालिटीज ऑफ ब्रिक भी बताता जाऊंगा और उसके कुछ टेस्ट हैं वो भी मैं साथ ही साथ आपको बताता चलूंगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो मेरा टॉपिक है, पहला जो मेरा पॉइंट है, ब्रिक मस्ट बी यूनिफॉर्म इन कलर। ब्रिक मस्ट बी टेबल मोल्डेड एंड फ्री फ्रॉम वॉइड्स possess uniform bright color। दोस्तों तो पहला पॉइंट है मेरा, ब्रिक मस्ट बी टेबल मोल्डेड, यानी कि जो भी हम लोग ब्रिक बनाते हैं, जिस भी जो एरिया बना होता है एक कंपाउंड, क्या बोलते हैं कि जो इस तरीके का बना होता है जिसमें हम लोग सॉइल डालकर उसे ठोक ठोक कर यह कर करके थोड़ा हैमिंग कर करके उसकी जो ब्रिक बनाते हैं वो मस्ट बी टेबल मोल्डेड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एयर वॉइड्स, एयर वॉइड्स से फ्री होने चाहिए, और पूरी जो उसकी जो कलर होनी पूरी ब्राइट ब्राइट कलर होनी चाहिए। नंबर टू, ब्रिक मस्ट बी यूनिफॉर्म शेप एंड साइज, दैट इज 19x9x9 cm। ब्रिक मस्ट बी यूनिफॉर्म इन शेप एंड साइज, दैट इज 19x9x9 cm। नेक्स्ट नंबर थ्री, ब्रिक मस्ट बी क्लियर रिंगिंग साउंड व्हेन इट स्टक अगेंस्ट अदर ब्रिक। दोस्तों आपने कभी भी ब्रिक को आपस में जब एक ऐसे स्टिक का किया होगा, स्टक किया होगा, ऐसे से बीच में ठोका होगा तो आपको एक बहुत ही रिंगिंग सा साउंड सुनाई दिया होगा, टन टन की थोड़ी सी आवाज आती है, हालांकि वो बेल जैसी आवाज नहीं होती है बट कुछ उसी तरीके की आवाज होती है, वो साउंड क्लियर आना चाहिए फॉर गुड क्वालिटीज ऑफ ब्रिक। नंबर फोर, ब्रेक मस्ट पोसेस यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर अक्रॉस फ्रॉम
एनी सेक्शन ब्रिक मस्ट पोजेस यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर अक्रॉस एनी सेक्शन दैट इज फ्री फ्रॉम दैट इज फ्री फ्रॉम एयर वॉइड्स। एयर वॉइड से ये फ्री होने चाहिए और उससे स्ट्रक्चरली पूरे यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी कहीं पे कटा है, कहीं पे छटा है, कहीं पे निकला है, कहीं ज्यादा बढ़ गया, ऐसे नहीं होने चाहिए। पॉइंट फाइव ब्रेक मस्ट नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 20% ऑफ वाटर व्हेन इट इमर्स्ड इनटू वाटर फॉर 24 आवर। अगर आप कोई भी ब्रिक को 24 आवर के लिए अगर पानी में आप डाल कर रख देते हो तो वो 20% से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए बाई इट्स वेट। उसकी जो भी वेट है ब्रिक की उससे 20% से ज्यादा करना चाहिए। अगर उसकी वेट 3 kg है तो उसकी 20% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास की, मैं आपको बताता हूं। नंबर सिक्स, इन केस ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रेक ओनली 20% वाटर कैन बी एब्जॉर्ब इन केस ऑफ सेकेंड क्लास ब्रेक ओनली 22% वाटर कैन बी एब्जॉर्ब बाई इट्स वेट। दोस्तों मार्केट में जब भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपने आसपास जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो दो टाइप की ब्रिक्स यूज करते हैं। एक होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक, दूसरा सेकेंड क्लास ब्रिक। ये जो फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास का ब्रिक में डिफरेंस इतना होता है, ये कुछ ज्यादा ही अच्छे से बर्न्ट होता है, ये थोड़े कम बर्न्ट होता है, लेस बर्न्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लास, लेस बर्न्ट। इसकी प्राइस हाइक होती है, इसकी प्राइस थोड़ी लो होता है, बस इसमें इतना ही डिफरेंस है। नंबर सेवन ब्रिक मस्ट नॉट सो एनी अल्कली मैटर ऑन इट्स सरफेस व्हेन इट इमर्स्ड इनटू वाटर फॉर 24 आवर। जब हम ब्रिक को 24 आवर के लिए वाटर में इमर्स करेंगे तो कोई भी अल्कली पार्टिकल मैटर कुछ भी शो नहीं करने चाहिए। अगर वहां पे अल्कली मैटर शो कर रहा है यानी कि उसमें
अल्कली मैटर प्रेजेंट है, इसकी वजह से वो बाहर आ गया, यानी कि मेरी ब्रिक अच्छी नहीं है, वो हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक नंबर, ब्रेक मस्ट पोजेस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ दैट इज 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये स्ट्रेंथ टेस्ट है इसकी। स्ट्रेंथ टेस्ट में ये होता है कि ब्रिक को जो हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट करेंगे वो 3.5 न्यूटन मीटर पर एम स्क्वायर से कम नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होने ही चाहिए। ब्रेक नॉट बी ब्रोकन व्हेन इट फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर। जब भी हम एक ब्रेक को 1 मीटर की हाइट से जब हम फॉल करें, उसे गिराए, तो वो टूटने नहीं चाहिए। अगर वो टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, तो वो मेरी अच्छी क्वालिटी की ब्रेक नहीं है और उसे हम यूज नहीं करेंगे। अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो उसे हम यूज कर सकते हैं। नंबर 10, व्हेन रब ऑन द ब्रेक बाय नेल देयर मस्ट नॉट बी एनी साइन और स्ट्रेच ऑफ नेल। जब भी हम लोग एक ब्रिक के ऊपर अपने नेल से, नाखून से, अगर उसमें हम स्ट्रेच करें और उसमें अगर लाइन आ जाए, तो वो क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की ब्रिक नहीं है, वहां पे लाइन नहीं आनी चाहिए, तो वो मेरी ब्रिक अच्छी है। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो मैं हमेशा लेकर आता रहता हूँ इस चैनल पे। मैंने आपको आज ब्रिक की क्वालिटी टेस्ट पूरी अच्छे से बता दिया, गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक हमें क्या क्या देखना होता है और उसकी क्या क्या टेस्ट हम लोग करते हैं, वो सारी बातें मैंने जस्ट आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। वीडियो लेकर मैं हमेशा आते रहता हूँ इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।